बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड ईयर का जो आज का पेपर हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का, उसके करेक्ट MCQs जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक एक MCQ जो है वो उसको करेक्ट जो ऑप्शन है वो बताऊँगा। तो पहला MCQs है आपका, दीज एलिमेंट्स EKS एल्यूमिनियम एंड EK सिलिकॉन वर नॉन एज जेलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है आपका, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6A आर कॉल्ड टेल्सोजेंस, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज +3। 3A ग्रुप जो है जिसके अंदर आपका जो चार्ज होता है वो +3 होता है। All elements form ionic hydrides except BE. This group form basic hydrides group 4A. Half life of radioactive isotope of hydrogen is 12.5 years. This element of 1A group forms a superoxide potassium. This one is liberated at the anode during electrolysis of brine in a diaphragm cell is Na. This one has maximum hydration energy Mg2+. The oxidation state of nitrogen in HNO3 is +5. Duralumin is an alloy of aluminium. The basicity of orthoboric acid is 1. All elements get corroded except gold. The coordination number of cobalt in आपको पास एक लिगेंड स्कीमिन है, ठीक है। इसकी जो आंसर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर वो आएगा 4। दिस मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग जिंक। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम्स इन साइक्लोहेक्सेन C6H12 इज SP2। दिस कैटलिस्ट इज यूज्ड एज नॉक इनहिबिटर टेट्रा इथाइल लेड। द जनरल फार्मूला ऑफ ईस्टर इज RC00R। This compound obeys Markovnikov rule when reacting with HBr, CH2, double bond CH2. Vinyl chloride polymerizes into PVC. The dehydration of alcohol gives alkene. This compound gives SN1 mechanism chloroethane. The most stable carbonium ion is R3C+. CH3I reacted with sodium metal to form C2S6. The color of precipitate obtained in iodoform test is yellow. Ethyl acetate is present in pineapple. This one does not contain carboxyl group picric acid. The animal starch is glycogen. Blood cancer is caused by benzene. Bleeding of teeth is caused by the deficiency of this vitamin C. Backlight is a polymer of phenol formaldehyde. This impart green color to glass. CR2O3 fertilizer maintains this pH of the soil 7 to 8. तो ये थे फ्रेंड कंप्लीट MCQ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की जानिब। तो सेक्शन बी में आपको पास सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, जिसमें आपको पहले सवाल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी थी। ये जो आपके पास एलिमेंट गिवन थे और उनके एटॉमिक नंबर जो थे वो आपको गिवन है, ठीक है। और आपको ये भी बताना था कि इसका ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो ये था, गिव द रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप ए एंड 7A एंड राइट 4 पॉइंट्स ऑफ ईच ग्रुप। नंबर 3 जो क्वेश्चन था आपके पास वो ये था कि आपको ये एक टेबल टाइप गिवन था और उसकी चार इंस्ट्रक्शन जो आपको गिवन थी वो करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका वो ये था कि डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर ऑब्टेनिंग प्योर एल्यूमिनियम अलोंग विद द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। राइट IUPAC नेम्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। Write any 4 chemical equations of the following. फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास पहला सवाल ये था कि डिफाइन द फॉलोइंग क्रैकिंग फंक्शनल ग्रुप ज्यूटर आयन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर गिवन था
तो आपको ये बताना था कि ड्रॉ द हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बी विद नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, गिव अ केमिकल रिएक्शन ऑफ ए विद डाइल्यूट एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। इस तरीके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल, गिव द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, कंप्लीट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, ये आपको गिवन है, आपको इक्वेशन जो थी उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, राइट IUPAC नेम्स ऑफ एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये जो थे वो गिवन है, आपको इनके IUPAC नेम्स बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अल्कोहल विद CH3MgI, राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट्स, ग्लास, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेक्शन सी में आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास पहला सवाल ये था, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और उसके बाद आपको ये था कि ये पांच इक्वेशन को आपने बैलेंस करना था और कंप्लीट करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द मेटलर्जी ऑफ 99.9% कॉपर फ्रॉम रोस्टेड पायराइट, और डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम आश बाय अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस और स्टेट मेंडेलीफ पीरियोडिक लॉ, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल एंड हाउ इट इज मॉडिफाइड बाय मोस्टली। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो ये थी कि व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन, कंप्लीट एंड बैलेंस एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद ये था, व्हाट इज ओरिएंटेशन इन बेंजीन, एक्सप्लेन ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, गिव द नेम्स ऑफ ऑर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और राइट द टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर बेंजीन, बिहेव एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डिस्क्राइब कैक्यूल स्ट्रक्चर। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास था वो ये था कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग, एस्पार्टिक एसिड, नाइसोटोनिक एसिड, पायरोगैलल, अल्फा नेफ्थोलोन, आइसोब्यूट्रिक एसिड, ग्लिसरॉल। तो ये था फ्रेंड कंप्लीट पेपर केमिस्ट्री का जो मैंने आप लोगों के साथ आज के शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि कोई क्यूरी नहीं होगी, कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।